हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीठू इजी रेसिपी। आज का जो रेसिपी है वो एक बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक्स का रेसिपी है, जो है साबूदाने का एक न्यू रेसिपी है। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे चलिए बताते हैं। पहले हमने छोटे छोटे टुकड़ों में आलू को काट लिया है। साबूदाने को हमने भिगो के रख दिया था 2-3 घंटा, और अब उसका पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे। पानी को देखिए, सारा पानी निकाल देने के बाद साबूदाने को हम फिर से कटोरी में लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा वाइट ऑयल, ताकि साबूदाना जब हम बनाएं तो एक दूसरे से ना चिपके और अच्छी तरह से खिला खिला बनता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से साबूदाने को रेडी करके रख दिया है। अब पैन में हमने तेल ले लिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे कारी पत्ता, मास्टर सीड्स और ड्राई चिली, ड्राई रेड चिली। सब ऐड कर देने के बाद उसमें हम डाल देंगे कटे हुए आलू को। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमें इसे सॉटे कर लेना है। चाहे तो फ्रेंड इस रेसिपी को टिफिन में भी बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी यम्मी रेसिपी है। तो अब आलू में ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे थोड़ा सा सांभर पाउडर। आपके घर में जो सांभर पाउडर हो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ एवरेस्ट का सांभर पाउडर यूज किया है। तो फ्रेंड, सांभर पाउडर यूज देने के बाद इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब आलू को हम कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे, जब तक कि आलू थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। हम इसे ढक के 2-3 मिनट पकाएंगे और जैसे ही आलू पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ये बहुत जल्दी से झटपट बनने वाला रेसिपी है फ्रेंड, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड, मेरी रेसिपीज अगर आपको पसंद आते हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आग पे बदलती मैं आज तक इतनी दूर तक पहुंची हूँ। आशा है आगे भी आप हमें इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। तो फ्रेंड देखिए, आलू हमारा अच्छी तरह से पक गया है। इसे अच्छी तरह से हम सॉटे कर लेंगे और एक बार, ताकि सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाए। आलू पूरी तरह से तैयार हो गया है। हमें बीच बीच में एक बार
ढक्कन खोल के थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। देखना होगा कि आलू सीजा कि नहीं, आलू बॉईल हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड आलू पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो साबुदाना को हमने धो के अच्छी तरह से रखा था, उसे अब हम साबुदाना को इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही साबुदाना को हम ऐड करेंगे तो साबुदाना आलू के साथ अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और बस हमारा साबुदाना की ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। से और थोड़ा सा सांबर पाउडर जो है साबुदाना के ऊपर भी दे देंगे ताकि इससे टेस्ट और भी अच्छा खिल के आता है। फ्रेंड अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर रेड चिली पाउडर देते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। और अगर ज़्यादा तीखा नहीं चाहते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए सारा इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स हो गया है, साबुदाना भी पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है और अब ये गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करने की बारी है। आप चाहे तो फ्रेंड इसे इवनिंग स्नैक्स में खाइए, सुबह का ब्रेकफास्ट में खाइए, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और चाहे तो बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड हमारा साबुदाना का रेसिपी बन के रेडी हो गया है। अब इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर से मैं एक नई रेसिपी लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय।